असलम दोस्तों दोस्तों इन मौजूद पर मैं गुफ्तु कम करता हूँ लेकिन ये वाक़ ऐसा था जिस पर मेरी बात करना नागजीर हो गई थी मेरे लिए और मैंने बात का आप तक पहुँचानी जरूरी थी खूस उन वालदे के लिए जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें बोर्डिंग करवाते हैं बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी करवाते हैं बच्चों को या चलो तो यूनिवर्सिटीज़ की मामला हद तक तो ठीक है लेकिन जब आप कॉलेज और स्कूल्स की सतहकार पर आप छोटे मासूम बच्चों को दाखिल करवाते हैं तो फिर एक कंसर्न जरूर आता है और वहाँ से अगर कोई ऐसी खबर आ जाए तो यकीनी ये एक लम्हे फिक्रिया होता है ऐसा ही पाकिस्तान के सुबह पंजाब के मशहूर सियाती मकाम मरी में वाक़ एक कैडेट कॉलेज के हॉस्टल के एक तालब इम के साथ चार सीनियर तालब इम की जानब से मुबैना रेप किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है मुतासरा लड़के के वालद की मुदयत में दर्ज एफ आई आर में दावा किया गया है कि जब मुतासरा तलब इम ने कॉलेज के प्रिंसिपल से रबा किया तो उन्हें इस बाबत आगाह किया तो प्रिंसिपल ने तालब इन को कहा वाक्य का जिक्र किसी से ना करे वरना उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा वाक़े के बाद जब मुतासर तालबिल के वाले मरी पहुँचे वाक्य मुकदमा दर्ज किया गया तो कॉलेज इंतजाम के वाल बना लिया उसके को बल्कि पुलिस को भी जब पुलिस रेड करने के लिए गई उन लड़कों को गिरफ्तार करने के लिए गई तो पुलिस को कालेज इंतजामिया ने, ने भरपूर मुजामत दी और रावलपिंडी पुलिस तर्जमान के मुताबिक कार्य सरकार में मुदाखलत और मज़ात की दफात के तहत कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ एक अलग अलग एफ आई आर भी दर्ज कर दी गई है कॉलेज के प्रिंसिपल से मैंने खुद रबता करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने अदारे में इस नोयत को वाक़ पेश आने के इम्कान कोक्सर उससे मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस मामले को हक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि इसके मसले को जो हवा दी जा सके ताहम उसका कहना था कि वो पुलिस हकाम के साथ मुकम्मल तावन कर रहा है वाक़ का मुता, का मुकदमा मुतासर तलब इन के वालद की मदईत में दर्ज हुआ है एफ आई आर और एफ आई आर में वालद ने कहा कि गुजशत दिनों जब उनके अपने बेटे से फ़ोन पर बात हुई तो उसने रोना शुरू कर दिया मैंने फ़ोन पर बार बार पूछा कि क्या हुआ तो वो नहीं बता रहा था वो मुसलसल रोता जा रहा था जिस पर वो उसका वालद फिल्फ और मरी पहुंचा, एफ़ में कहा गया कि मैं मरी से अपने बेटे को घर लेकर घर आया जहां पर उसकी तबीयत बहाल हुई तो उसने बताया कि उसके साथ हॉस्टल के कमरे में एक रात एक बजे चार मुख्तफ लड़कों ने रेप किया है जिसमें एक के पास पिस्तौल था उन्होंने धमकी दी कि शोर मचाया तो जान से मार देंगे मुकदमे में कहा गया है कि बच्चे ने इस वाक़े से मुतक प्रिंसिपल को बताया उसे धमकी दी कि अगर तुमने ये वाक़ा अपने वाले तक बात बताई या किसी और को बताई तो उसे स्कूल से ख़ारिज कर दिया जाएगा निकाल दिया जाएगा रेस्टिगेट कर दिया जाएगा मुतासर तलब इल के वालद के मुताबिक कि जब उसने पुलिस की मदद हासिल की तो उसके बाद कॉलेज पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें कॉलेज इंतज़ामिया की जानब से इंतहाई नामनासिब सूरतल का सामना करना पड़ा उसे और उसके साथ मौजूद दीगर लोगों को कॉलेज की इंतज़ामिया ने फिज़िकली तौर पर जरगमाल बना लिया उसके वालद का कहना था कि उसे कॉलेज से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था और कहा जा रहा था उसके नतज अच्छे नहीं होंगे हम किसी ना किसी तरीके से पुलिस ने उन्हें बाहिफाजत वहां से निकाल दिया रावलपिंडी पुलिस के तर्जमान सजादुल हसन के मुताबिक मरी में एक वाक्यडेट एक कॉलेज के हॉस्टल में जो वाक्य पेश आया उसके तहत दो नामजद मुलजमान को तो गिरफ्तार कर लिया है दो जो है वह रोपोश हैं और उनकी तलाश जारी है तफ्तीश के नतीजे में अगर कोई और मुलजम हुआ तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा वाक्य के बाद मुतासर तालब का मेडिकल

टूट गए इस मौके पर हवाई फायरिंग की गई उस जारी है और वो कहता था कि उसने अपनी बेटे की जिंदगी तहफ़ के लिए नॉर्मल रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है ताकि बेटे का मुस्तबिल महफूज हो सके उसने कहा कि वह बेटे के अच्छे के मुस्तबल की लाखों रुपये महाना की फीसें अदा करता रहा है उसे क्या पता था कि वहाँ ऐसा वाक्य पेश आ जाएगा जिसके नतीजे में उसने कहा कि हमें अपने बेटे की जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे इस वक्त सारा उनका खानदान सख्ते की हालत में है और दूसरी तरफ कॉलेज का प्रिंसिपल ने कहा कि उनका कैनड कॉलेज एक साल से तालबा की किरदाराजी और अखलाकी तरबियत में मसरूफ हैं और यह मसरूफ़ अमल हैं किरदार साजी के और अखलाक साजी किया जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इस किस्म के द्रिंदे अपने कॉलेज में पाल रखे थे अपने स्कूल में पाल रखे थे यह थी उनकी इखलाकी तरबियत मदरसों पर गुश्तनुमाई करने वालों अपने गिरबाल में ज़रूर झाँकना ये वो कॉलेज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं ये वो तालीमी अदारे हैं यहाँ शबनम टकेती केस के जो मुलजमान थे वो किसी मदरसों के भी नहीं थे एक्सन कॉलेज और हसन बदल कॉलेज कॉइड कॉलेज के, के फारो तहसील लड़के थे ये उनकी इखलाकी तरबियत थी और यहाँ जो जो जखलाकी तरबियत हुई जिन्होंने अपने ही एक कॉलेज के स्कूल के एक मासूम बच्चे के साथ जिनसी फ़ेल किया तो मैं ये समझता हूँ उन अदारों के लिए यह डूब के मर जाने के लिए मकाम मकाम है उस बेगारत प्रिंसिपल को भी एक निशानब्रत बुला देना चाहिए जो उनके ऊपर सिर्फ पर्दाकोशी कर रहा था और यकीनी मैं ये समझता हूँ ये क्योंकि कैड कॉलेज है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टीम्ड अदारा की इज्ज़त भी दाव पे लग चुकी है इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ इन सबको किसी न किसी तरीके से इसकी इज़्ज़त को बहाल रखने के लिए तो इसके लिए इनको बड़ी तदीबी कार्रवाई कर, करनी चाहिए और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इनको तहफ़ दिया या पुलिस पार्टी पर रेड करते हुए उनको गिरफ्तार करने की मज़ात की उनको भी कैफे किरदार पर पहुँचाना चाहिए और साथ उन मुलजमान के, के बच माँ बाप को भी पकड़ कर ताल में से ज़रूर गुजारना चाहिए जहाँ उनके उसा जहाँ माँ बाप ने तो अपनी अखलाकी तरबियत पूरी नहीं जिम्मेदारी पूरी नहीं की लेकिन ये किया कि उन्होंने तरबियत उन के हवाले कर दी जिन्होंने ये अखलाक तरबियत की जिसका दावा वहाँ का कैडेट कॉलेज मरी का प्रिंसिपल अदा कर कर रहा है शर्म की बात है और इंतहा के शर्म के लाखों रुपये फ़ीस अदा कर लेते हो तुम तो लोग और ये बच्चों के किरदार की किरदार साजी कर रहे हो आप आपसे इजाज़त इसके ऊपर मैं मज़ीद अपडेट आपको देता रहूँगा शुक्रिया